आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए सावन महीने की भोलेनाथ की एक बहुत सुंदर कहानी लेकर आए हैं। एक समय की बात है, किसी गांव में एक बूढ़ी अम्मा अपने बेटे के साथ रहती थी। माँ बेटे बहुत मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा करते थे। एक बार बूढ़ी अम्मा के मन में ये विचार आया कि अब उसका बेटा विवाह के योग्य हो गया है, अब उसे अपने लिए बहू ले आनी चाहिए। कुछ समय बाद बूढ़ी अम्मा ने अपने बेटे का विवाह एक सुशील कन्या से कर दिया। उसकी बहू बहुत सुंदर, सुशील और संस्कारी थी। वह नित्य प्रतिदिन जल्दी उठकर घर की साफ सफाई करती, स्नान आदि करके भगवान शिव का अपने घर में ही पूजन करती। विवाह के कुछ समय बाद सावन का महीना आया। बूढ़ी अम्मा की बहू भगवान भोलेनाथ की अनन्य भक्त थी। उसके मन में यह विचार आया कि वह सावन के महीने में मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल अर्पित करे। अपने मन में आए विचार को उसने अपनी सास से कहा, माताजी, सावन का महीना शुरू हो गया है, मैं शिव मंदिर जाकर पूजा पाठ करना चाहती हूँ, शिवलिंग पर जल अर्पित करना चाहती हूँ। लेकिन बूढ़ी अम्मा ने उसे मना कर दिया और कहा, घर में ही पूजा कर लो, मंदिर जाने से समय बर्बाद होगा, इतने समय में तो घर का सारा काम हो जाएगा। ये बात सुनकर बहु उदास हो गई, लेकिन कुछ कर नहीं सकी। उदास होकर घर के कार्यों में लग गई। उस दिन कुछ भी अन्न जल ग्रहण नहीं किया। अगले दिन बहु कुएं से जल लेने गई। रास्ते में उसने देखा कि गांव की दो लड़कियां पूजा की थाली सजाकर मंदिर की ओर जा रही हैं। उसने उन्हें रोका और पूछा, तुम सब कहां जा रही हो? तब वह बोली, सावन का महीना शुरू हो गया है, हम सब भगवान भोलेनाथ का पूजन करने मंदिर जा रहे हैं। यह सुनकर वह फिर उदास हो गई। लड़कियों ने पूछा, आप क्यों उदास हो गई? वह बोली, भगवान शिव मेरे आराध्य हैं, लेकिन मेरी सास ने मुझे मंदिर जाने से मना कर दिया, पूजा करने से मना कर दिया। तब लड़कियां बोली, आप चिंता मत करो, आप हर रोज इसी समय पानी भरने आया करो और हमारे साथ मंदिर चलकर भगवान शिव की पूजा करें, उन्हें जल अर्पित किया करो। तब वह बोली, लेकिन मेरे पास पूजा की कोई सामग्री नहीं है, अगर घर से ले आऊंगी तो सास को पता चल जाएगा। तब लड़कियां बोली, कोई बात नहीं, आप हमारी पूजा की सामग्री से थोड़ा पूजन कर लेना। ये सुनकर वह बहुत खुश हुई और रोज उनके साथ मंदिर जाने लगी, जहां वो शिवलिंग पर जल चढ़ाती और भक्ति भाव से भोलेनाथ की पूजा करती। और उसने अपनी सास से ये बात छुपाई, इसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा, ऐसा उसने मन में सोचा। ऐसे ही पूरे सावन का महीना बीत गया। सावन के अंतिम दिन उसने सोचा कि पूरा महीना मैंने इन लड़कियों की पूजन सामग्री से पूजा की है, आज तो मुझे अपना कुछ भोलेनाथ को अर्पित करना ही चाहिए। ऐसा सोचकर उसने अपनी नाक से सोने की नथ उतारी और उसे धोकर शिवलिंग पर अर्पित कर दिया और पूजा करके घर वापस आ गई। आकर वो अपनी सास से नजर छुपाकर इधर उधर घूम रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि उसकी नाक में नथ था। नथ ना देखकर सास जरूर पूछेगी कि नथ कहाँ गई। ऐसे ही दोपहर हो गई, तभी अचानक सास की नजर उसकी नाक पर गई और नाक में नथ ना देखकर सास ने पूछा, बहू, तुम्हारी नथ कहाँ गई? तो वह बोली, माँ जी, मुझे नहीं पता, शायद कहीं गिर गई है। सास बोली, अच्छा, तो ये बताओ कि तुम आज कहाँ कहाँ गई थी, वहीं जाकर ढूंढ लेंगे। बहू बोली, मैं सुबह पानी भरने गई थी, तब तक तो मेरी नाक में नथ थी, इसके बाद मैं उपले थापने गई थी। सास बोली, चलो वहीं चलकर देखते हैं। दोनों वहां पहुंचे जहां बहू ने उपले थापे थे। सास ने बहू से कहा, चलो अब ये उपले तोड़कर देखते हैं। दोनों सास और बहू उपले तोड़ने में लग गईं। जैसे ही दोनों ने उपले तोड़े, दोनों के उपले में एक एक नथ निकली। सास बोली, नथ तो एक ही था, ये दो कैसे हो गई? इसके बाद सास ने एक एक कर सारे उपले तोड़ने शुरू किए।
अब सास तोड़ती जाए और उन सब में नथ निकलती जाए। सास ने बहू की ओर देखा और पूछा, ये क्या मांझ रहा है? तब बहू ने सास से क्षमा मांगते हुए सारी बात उन्हें बता दी और कहा, ये भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद है। आज मैंने सावन की समाप्ति पर उन्हें अपनी नथ अर्पित की थी और उन्होंने मुझे इतनी सारी नथ वापिस कर दी। सास बहू की बात सुनकर बहुत खुश हुई और कहा, सावन माह में स्नान, जप, तप और दान का इतना महत्व है तो अगले साल हम दोनों मिलकर शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे और पूजा पाठ करेंगे। अगला सावन का महीना आने पर दोनों सास बहू ने नियम से सावन का स्नान किया, पूजा पाठ किया, तप किया। भगवान भोलेनाथ की कृपा से बूढ़ी अम्मा का घर अन्न धन के भंडार से भर गया। बहू को एक सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। दोस्तों, मैं आपसे एक विनम्र निवेदन करता हूँ कि अगर आप वाकई में भगवान शिव जी को अपने दिल से मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एवं कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ओम नमः शिवाय।